रखने की अपील की गई है। पूरी तरह शांति बनाए रखें, संयम, शांति और सौहार्द जीत का मूल मंत्र है, मुस्लिम पक्ष की तरफ से यह कहा गया है। तो सर्वे में आज मुस्लिम पक्ष शामिल नहीं हो रहा है, हालांकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से अपील जरूर की गई है लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की, क्योंकि आज जुमे की नमाज भी है, जो नमाजी वो नमाज अदा करने के लिए भी निकलेंगे और इस लिहाज से भी वाराणसी में सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है। मुस्लिम पक्ष भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। और वाराणसी से संवाददाता सुशांत मुखर्जी और प्रयागराज से संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए तमाम सारी अपडेट के साथ में। सबसे पहले सुशांत आपके पास आएंगे, सर्वे को लेकर क्या कुछ अपडेट, सर्वे में कितने लोग शामिल हैं, साथ ही साथ हिंदू पक्ष की तरफ से कौन कौन इस सर्वे में शामिल हो रहा है, कितने लोग शामिल हैं? देखिए सर्वे में 51 सदस्यीय टीम है जो सर्वे में शामिल हो रही है। हालांकि आज उस नामों में कुछ संशोधन किया गया है, विष्णु शंकर जैन के शामिल होने के बाद जो दूसरे अधिवक्ता थे उन्हें हटना पड़ा है। इसके अलावा कई पैरोकार भी उस सर्वे के नाम से हटे हैं। बात की जाए आज के सर्वे की, तो आज का सर्वे इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है कि जहां से सर्वे खत्म हुआ था उसी जगह से सर्वे की अब शुरुआत हो रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं उत्पल जी। उत्पल जी बताइए कि आज का जो सर्वे है कितना महत्वपूर्ण है और क्या कुछ खास निकल के आ रहा है? जी देखिए, अभी अभी थोड़ी देर पहले एएसआई की दो टीमें पहुंच चुकी है और शायद ऐसा माना जा रहा है कि कुछ और लोगों का भी पहुंचना बाकी है। कुल मिलाकर के आज 41 लोगों को एंट्री दी गई है इस सर्वे के लिए। उसके अलावा 116 लोगों की पहले की भी लिस्ट थी, वो भी लोग जो हैं। मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे से दूर रहने का फैसला किया है, पिछली बार की तरह इस बार भी। उनकी दलील ये है कि उनकी तरफ से एक पब्लिक नोटिस भी, एक मैसेज भी जारी हुआ है व्हाट्सएप ग्रुपों पर मीडिया के, कि वो अभी फिलहाल इस सर्वे की कार्रवाई से दूर रहेंगे, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पैरवी की हुई है जिसकी डेट आज ही लगी हुई है, इस केस की लिस्टिंग आज ही है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने आज अपने आप को इससे विरत रखा है। 4 तारीख तक सर्वे का रिपोर्ट पेश करना था जिला जज की अदालत में, तो आज उसकी सुनवाई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होनी है, तो क्या माना जा सकता है सर्वे का समय सीमा बढ़ाई जा सकती है? जी देखिए, दोनों चीजें हो सकती हैं। ऐसा बिल्कुल भी, ये चूंकि ये तकनीकी विषय है और एसआई के अफसर ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि क्या है, लेकिन हो सकता है कि शायद वो 2-3 घंटे में ही उनको कुछ ऐसी चीजें मिल जाए या उपलब्ध हो जाए जो हो सकता है आज ही माननीय न्यायालय पे, जो बनारस के जो जिला न्यायाधीश है उनके न्यायालय में दे दिया जाए, या हो सकता है वो आगे आने वाले समय में समय की मांग करें। देखिए दोनों चीजें इसलिए भी संभावी हैं, चाहे प्लस चाहे माइनस, क्योंकि सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि जो अभी 3-4-5 घंटे जो भी समय मिला है एएसआई टीम को, उस एएसआई टीम उस पूरे निश्चित समय सीमा में क्या क्या जानकारियां अपने लिए उपलब्ध कर पाती है, क्या क्या और चीजें जुटा पाती है। अगर उनको लगेगा कि आज उनका काम खत्म हो गया है तो शायद आज ही रिपोर्ट फाइल हो जाएगी बनारस के जिला न्यायाधीश के न्यायालय में। तो आज बहुत कुछ होना बाकी है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी है उसकी जो अपील है उस पर सुनवाई होनी है, साथ ही आज तक का ही समय था रिपोर्ट पेश करने के लिए, तो जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो आज जो है दोपहर के 12 बजे के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस पे सुनवाई करेगा, तो वहीं 10 बजे के बाद मान ले कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपना जो है इस पर रुख जो है स्पष्ट कर सकता है। दूसरी तरफ आप ये लाइव तस्वीरें देखिए जहां पर मीडिया को इस बैरिकेडिंग से आगे जाने की अनुमति नहीं है, हालांकि आम श्रद्धालु जा सकते हैं। तो ये ज्ञानमापी परिसर से लगभग 0.5 किलोमीटर दूर मीडिया को रोक दिया गया है कि मीडिया कर्मियों को वहां पर आगे जाने की अनुमति नहीं है। तो फिलहाल वाराणसी में सर्वे की शुरुआत हो चुकी है, जो टीम है वहां पहुंच चुकी है, विष्णु शंकर जैनी पहुंच चुके हैं, जो ज्ञानापी के विश्व वैदिक सनातन संघ के जो प्रमुख हैं वो भी मौजूद हैं यहां पर। इसके अलावा मुख्यवादी राकेश सिंह के अधिवक्ता भी मौजूद हैं। तो पूरी तरीके से, जैसा कि हमने आपको कुछ देर पहले बाइट भी सुनाया कि किस तरीके से वो बता रहे थे कि किस तरीके से सर्वे होगा, क्या क्या चीजें वहां पर होंगी, तो ये सारी चीजें जो है वहां पर मौजूद दिखाई दे रही है। और कुछ ही देर में सर्वे जो है वो जहां से खत्म हुआ था वहां शुरुआत भी हो रही है। और जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचने उनसे भी बात करने की कोशिश करिए कि इस सर्वे को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। देखिए हम आगे चलते हैं तो कुछ लोगों से बात करने का प्रयास भी करेंगे, क्योंकि अधिकतर जो लोग हैं असल दरअसल जो भी यहाँ पर बात करता हुआ दिखाई दे रहा है पुलिसकर्मी तुरंत उसे यहाँ से हटा दे रहे हैं, क्योंकि पुलिसकर्मियों का ये साफ निर्देश दिया गया है कि किस तरह की कोई भीड़ जो है वहां पर इकट्ठा नहीं होनी चाहिए। आप तस्वीरों में देखिए कि ये जो लोग हैं ये जो आज पंचकोसी यात्रा भी होती है इस समय, तो ये पंचकोसी यात्रा के लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए आम लोगों की, आम लोग क्या सोचते हैं, उनका क्या विचार है, उनके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। भाई साहब सर्वे की शुरुआत हो चुकी है, किस तरीके से देख रहे हैं? सर्वे होना चाहिए,
और अब न्याय मिलना चाहिए। क्या लगता है इस सर्वे से ज्ञानापी का सच सामने आएगा? क्या लगता है बाबा जी क्या लगता है कि आज का सर्वे कितना महत्वपूर्ण है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे सच सामने आने के लिए। ये सर्वे नितांत ही आवश्यक था जो कि आज जो है ये हो रहा है ऐसे सर्वे, जिससे कि दोनों लोगों का कालखंड जो हम कहते हैं हमारे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाए हुए हैं उसका नवनिर्मित का कालखंड और औरंगजेब द्वारा और हमारा जो पुरातन हजारों वर्ष पुराना उसका कालखंड का अंतर स्पष्ट, जिससे ये प्रमाणित होगा कि हमारा मंदिर साधु संत आपके पास लगता है। आज कितना महत्वपूर्ण दिन है, आज सर्वे की शुरुआत बढ़ता जा रहा है। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, बहुत आनंद के दिन है। आज सर्वे के आदेश कोर्ट आदेश दिया है और ऐसा ही सर्वे हो रहा है। इसमें दूध के बौद्ध मठ लगातार ये कहा जा रहा है कि बौद्ध मठ को लिए भी दावा किया जा रहा है। अरे बौद्ध मठ नहीं है, वो तो शिव मठ है, वो तो कोई दावा केवल जो है लोग अपना मतलब अब हम क्या बताएं, आज के जो है काल समय परिस्थिति का जो है ये उदाहरण है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर साधु संन्यासी जो है वहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर जो पुलिस टीम है वो भी दिखाई दे रही है। एसीपी जो है लगातार यहाँ पर मौजूद है। सर किस तरीके सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है सर्वे को देखते हुए? पूरी सुदृढ़ व्यवस्था सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सभी वरिष्ठ अधिकारीगण जिलाधिकारी महोदय सभी लोग मौजूद हैं, सर्वे की टीम आ चुकी है। और क्या बाकी लोग जो यहाँ पर फालतू खड़े हो रहे हैं उनको भी यहाँ हटा रहे हैं? अनावश्यक भीड़ लगाने वालों को रोका जा रहा है, दर्शनार्थियों को कोई असुविधा नहीं हो रही है क्योंकि इस पर यातायात प्रतिबंधित किया गया है, किसी प्रकार के वाहन लेकर जाना प्रतिबंधित है। मीडिया कर्मियों को भी दूर रखा गया है? मीडिया कर्मियों को एक निश्चित सीमा तक रखा गया है, उसके बाद वहीं से उनको कवरेज करने दिया जाए। मिली है कब तक सर्वे का समय दिया गया? ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है, अभी टीम के कुछ मेंबर आ गए हैं, जल्दी सर्वे शुरू होने वाला है। तो आप देख सकते हैं वाराणसी के जो दसवें जोन के एसीपी हैं वो बता रहे थे कि पूरी तरीके सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है, किसी भी ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर खड़े होने की अनुमति नहीं है जो बिना वजह का यहाँ पर खड़ा हो रहा हो। सिर्फ दर्शनार्थियों के लिए अनुमति है कि दर्शन करे और आगे बढ़े, किसी को भी यहाँ पर बिना वजह खड़ा होने की अनुमति नहीं दी जा रही है ताकि किसी तरह की अवस्था जो है शांति व्यवस्था कायम रहे, कोई अव्यवस्था यहाँ पर ना फैले, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। आज इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज शुक्रवार है, जुमे की नमाज भी 1 बजे के बाद अदा की जाती है, इसलिए भी पुलिस की सक्रियता जो है और भी ज्यादा बढ़ी हुई है। पुलिस नहीं चाहती कि कोई भी अनावश्यक रूप से यहाँ पर खड़ा हो और इसलिए बैरिकेडिंग भी कर दी गई है। मीडिया कर्मियों को भी उस पूरे परिसर से बहुत दूर ले आया गया है। तो कोशिश पूरी है कि सर्वे जो है आसानी से हो सके। इसके साथ ही जुमे की जो नमाज है जिसकी लिस्ट है नमाजी को, वही नमाजी अंदर जाकर के नमाज पढ़ के वहां से निकल सके, यानी कि पूरी व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए पुलिस लगातार कोशिश में लगी हुई है। कितने लोगों को अंदर नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई सुशांत, क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? और साथ ही साथ एक सवाल सुशांत और है कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई शामिल नहीं हो रहा, तो क्या मुस्लिम पक्ष की तरफ से सर्वे के दौरान कोई सदस्य मौजूद रहेगा? देखिए मुस्लिम पक्ष ने पहले ही ये साफ कर दिया है कि वो हाईकोर्ट के इस फैसले से असंतुष्ट हैं और वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो ऐसे में उनकी तरफ से कोई भी व्यक्ति इस सर्वे में शामिल नहीं होगा। इससे पहले भी जब सर्वे हुआ था तब भी ये बात कही गई थी कि उनकी तरफ से कोई शामिल नहीं हुआ था और आज भी अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से कोई शामिल नहीं हुआ है। जहां तक रही नमाजियों की लिस्ट की बात, तो नमाजियों की जो लिस्ट है वही लोग नमाज पढ़ने जाएंगे जो पहले ही ज्ञानवापी परिसर में नमाज पढ़ते रहे हैं। किसी भी तरीके के नए किसी व्यक्ति का वहां एंट्री नहीं दी जाएगी नमाज पढ़ने के लिए, सिर्फ उन्हीं लोगों को वहां पर जाने की अनुमति है। साथ ही मुस्लिम पक्ष ने एक अपील भी की है कि बहुत ज्यादा भीड़ ज्ञानापी मस्जिद में न लगाएं, जो आसपास के लोग हैं वो वहां जाएं और आसपास जो दूसरी मस्जिद है वहां पर भी जाकर नमाज पढ़ें। बहुत ज्यादा भीड़ अगर होती है तो अपने घर में भी नमाज पढ़े, बहुत ज्यादा भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए भी पूरी व्यवस्था जो है की गई है और इस समय वाराणसी के ज्ञानापी परिसर में सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है सुशांत, नजर बना के देखिए, आएंगे आपके पास मानवीन भी प्रयागराज से।